हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इन रेडेट नेक्स्ट 7। और यह इस वीडियो सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो हम सीखेंगे कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो सीरीज बनाई थी जिसमें हमने फाइल परमिशंस के बारे में सीखा था। ठीक है, उस पर हमने सीखा था कि फाइल परमिशन सेट कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, फाइल परमिशंस होती क्या है। ठीक है, तो हर एक डायरेक्टरी और फाइल पर परमिशन सेट आप ओनर के लिए कर सकते हैं, ग्रुप के लिए कर सकते हैं और अदर यूजर्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इन परमिशन की लिमिटेशंस थी कि आप किसी स्पेसिफिक यूजर अकाउंट पर आप परमिशन सेट नहीं कर सकते। ठीक है, या तो आप उस फाइल के ओनर पर कर सकते हैं, या उस फाइल के ग्रुप पर कर सकते हैं, या फिर अदर यूजर्स के लिए आप परमिशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक यूजर अकाउंट पर आप परमिशन सेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, रेड हैट नेक्स्ट कर्नल EX23, NFS, EX24, XFS सभी के लिए ACL सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ACL सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपको सबसे पहले ACL का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और उस पैकेज में सभी यूटिलिटीज होती है कि ACL को एड कैसे किया जाता है, मॉडिफाई कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है, रिट्राई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ACL का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके सिस्टम में। ACL इंप्लीमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करना होगा कि जिस फाइल सिस्टम पर आप ACL इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस फाइल सिस्टम पर ACL इनेबल है या नहीं। ठीक है, आप ACL उसी फाइल सिस्टम पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिस फाइल सिस्टम पर ACL इनेबल हो। ठीक है, तो इसका सबसे कॉमन वे है ACL इनेबल करने का कि जिस फाइल सिस्टम पर आप ACL इनेबल करना चाहते हैं उसके लिए आप /etc/fs फाइल को एडिट करके भी आप ACL इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको /etc/fs फाइल एडिट करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके फाइल सिस्टम माउंट ऑप्शन में आपको और ACL ऑप्शन एड करना होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिनमें डिफॉल्ट फाइल सिस्टम पर ACL इनेबल होता है। ठीक है, अगर किसी फाइल सिस्टम पर ACL इनेबल है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट एड हो जाता है। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट चेक करना है तो उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं tune to fs -al फाइल सिस्टम। उसके बाद यदि किसी फाइल सिस्टम पर ACL इनेबल नहीं है, ठीक है, और आपको एड करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो हमने जैसा अभी देखा था कि /etc/fs फाइल से आप एड कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप किसी EX3 फाइल सिस्टम पर आप ACL इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा mount -t /EX3 -o /ACL और उसके बाद उस फाइल सिस्टम का नेम या उस पार्टीशन का नेम आपको टाइप करना है। ठीक है, और इसके अलावा /etc/fs फाइल को एडिट करके भी आप ACL इनेबल कर सकते हैं किसी फाइल सिस्टम पर। ठीक है, तो और /etc/fs फाइल एडिट करने के बाद में आपको उस फाइल सिस्टम को रिमाउंट करना होगा। तो उसके लिए रिमाउंट करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है mount -o /remount/file system। ठीक है, जो भी आप फाइल सिस्टम माउंट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं /work। ठीक है, mount -o /remount/file system। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ACL क्या होती है और ACL के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह की ACL यूज होती है, फर्स्ट एक्सेस ACL और सेकंड है डिफॉल्ट ACL। ठीक है, एक्सेस ACL फाइल और डायरेक्टरी दोनों पर एड सेट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि डिफॉल्ट ACL सिर्फ डायरेक्टरी पर इंप्लीमेंट की जाती है। ठीक है, अगर किसी डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट ACL इनेबल है, सेट है, ठीक है, और उसके अंदर जब आपको नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उस फाइल पर आपने एक्सेस ACL कॉन्फिगर नहीं की है, ठीक है, तो उस फाइल पर डिफॉल्ट ACL वर्क करेगी। ठीक है, और अगर किसी फाइल पर एक्सेस ACL अगर आपने कॉन्फिगर कर रखी है तो एक्सेस ACL डिफॉल्ट ACL को ओवरराइड करती है। ठीक है, तो अगर किसी डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन अप्लाई है और उसके अंदर आप नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें आप एक्सेस ACL कॉन्फिगर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस फाइल पर एक्सेस ACL
वर्क करेगी, ठीक है, एक्सेस एसीएल डिफॉल्ट एसीएल को ओवरराइड कर देगी। उसके बाद आप एसीएल को पर यूजर कॉन्फिगर कर सकते हैं, पर ग्रुप कॉन्फिगर कर सकते हैं, इफेक्टिव राइट मास्क के थ्रू कॉन्फिगर कर सकते हैं, उन सभी यूजर्स के लिए आप कॉन्फिगर कर सकते हैं जो उस फाइल के ग्रुप के मेंबर नहीं है, ठीक है। तो एक्सेस एसीएल सेट करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा सेट एफएससीएल स्पेस हाइफन एम, उसके बाद रूल्स, और उसके बाद उस फाइल या डायरेक्टरी का नेम आपको टाइप करना है, ठीक है। और हाइफन एम ऑप्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, तो हाइफन एम ऑप्शन एसीएल को ऐड करने या फिर मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो रूल्स हैं, तो रूल्स को आप इस प्रकार इस फॉर्मेट में आपको कॉन्फिगर करना है, ठीक है। आप एक साथ मल्टीपल रूल्स भी आप कॉन्फिगर कर सकते हैं, उसके लिए आपको कॉमा यूज करना होगा उनको सेपरेट करने के लिए। जैसे अगर आप किसी यूजर के लिए एक्सेस एसीएल कॉन्फिगर करना चाहते हैं या सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रूल्स यूज करना होगा यू कॉलन स्पेस, सॉरी यू कॉलन, उसके बाद यूजर नेम या फिर उस यूजर का यूआईडी आपको यूज करना है, और उसके बाद जो भी परमिशन आप उस यूजर के लिए सेट करना चाहते हैं वो परमिशन आपको प्रोवाइड करनी है। जैसे अगर आप रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन आप सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन स्पेसिफाई करनी होगी RWF, ठीक है। उसी तरह अगर आप ग्रुप के लिए परमिशन सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज करना होगा जी कॉलन जी, उस ग्रुप का नाम या फिर उसकी ग्रुप आईडी और उसके बाद परमिशन, ठीक है। और यदि आप इफेक्टिव राइट मास्क के थ्रू यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए एम कॉलन परमिशन, ठीक है। अगर आप उन सभी यूजर्स के लिए परमिशन सेट करना चाहते हैं जो उस फाइल के नहीं तो ओनर है और नहीं उस फाइल के ग्रुप के मेंबर हैं, तो उसके लिए आपको रूल क्रिएट करना होगा ओ कॉलन परमिशन, ठीक है। और परमिशंस को परमिशंस होती है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, उसके लिए आपको आर डब्ल्यू एक्स वैल्यू यूज करनी है, रीड के लिए आर, डब्ल्यू के लिए राइट के लिए डब्ल्यू और एग्जीक्यूट के लिए एक्स, ठीक है। अगर किसी फाइल या डायरेक्टरी पर ऑलरेडी एसीएल कॉन्फिगर है और आप सेट एफएससीएल कमांड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो सेट एफएससीएल कमांड एग्जिस्टिंग परमिशन के साथ में न्यू एसीएल को एड करता है और एग्जिस्टिंग एसीएल मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है। यानी पुरानी जो एसीएल है वो तो रहेगी, साथ में नई जो एसीएल आप कॉन्फिगर कर रहे हैं वो भी उसमें एड हो जाएगी, यानी ओवरराइट नहीं करता है, एड करता है, ठीक है, उन परमिशंस को, उन एसीएल को मॉडिफाई करता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि एक्सेस एसीएल इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।